अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा मलिक। हम इस टाइम नई तलाश के साथ मौजूद हैं शाहपुर कांजरा मंडी में। आप देख सकते हैं हीट वेव है और गर्मी बहुत ज्यादा है। जानवर बहुत बड़ी तादाद में दूसरे शहरों से यहां पे आए हैं व्यापारी बेचने के लिए, और मंडी के अंदर क्या इंतजाम है इंतजामिया की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से, और क्या खला है जो अभी बाकी है। अभी मंडी को शुरू हुए 2 ही दिन हुए हैं, तो जाकर देखते हैं कि जानवरों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, जो हीट वेव है उसके लिए क्या इंतजाम किया गया है। गर्मी बहुत ज्यादा है तो पानी की क्या सहूलियत इनको दी जा रही हैं, और सेक्रेटरी साहब जो है उनसे जाके बात करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे जो व्यापारी है खरीदार है उनको क्या मुश्किल आ रही है। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या नाम है आपका? शिबाज अली। कहाँ से आए हैं आप? शरखपुर शरीफ से। शरखपुर शरीफ से आए हैं जी, जी। तो यहाँ पे कितने जानवर लाए हैं आप? यहाँ पर तकरीबन 20 जानवर आ गए, अभी बकाया जानवर ना फार्म पे खड़े हुए हैं। कितने आने हैं और? तकरीबन 50 जानवर आ जाए। 50 जानवर और आने हैं। यहाँ पे कोई इंतजाम ठीक है? हाँ सब ठीक है माशाल्लाह, जबरदस्त है। मुतमईन है आप? जी जी। ये शेड आपने खुद बनाया सुनने में आया? जी जी, ये शेड हमने खुद बनाया है। और ऊपर जो बल्ब वगैरह लगे ये लाइटिंग भी हमारी है, और जो बिजली ना वो गवर्नमेंट ने दी हुई है। ठीक है, ये सब आपने खुद बनाया अपने जानवरों के लिए? जी जी, अपने जानवर। कितने अरसे में तैयार किए इनको जानवर? जी जानवर तकरीबन कोई 2 साल पालते हैं, कोई 3 साल पालते हैं, कोई साल पालते हैं, कोई ताजे भी खरीदते हैं। इस बार सबसे खूबसूरत जानवर कौन सा आपका? इस बार ये अपना वो चोलिस्तानी गुलाबी खड़ा हुआ है, व्हाइट वाला, और लाल नुकर है, और ये टाइगर है, और भी खड़े हुए हैं जानवर। इसमें से सबसे महंगा कौन सा है अभी? इसमें से वो चोलिस्तानी गुलाबी है, लाल नुकर है, और टाइगर भी है। कितने का है वो? डिमांड उसकी करते हैं 30 लाख रुपया, और लाल नुकरे की भी 30 लाख रुपया। अभी तक कोई देख कर गया? हाँ जी। 30 लाख दे देंगे? अभी रेट लग रहा है। आखिर एंड में कितने तक दे देंगे? हम तो कहते हैं 30 लाख मिल जाए, बकाया देखो जैसे अल्लाह की मर्जी है। पानी का निजाम ठीक है यहाँ पे जानवरों के लिए? हाँ जी, अपना बोर करवाया, इधर ही बोर करवाया शेड में। आपने खुद करवाया? गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया? नहीं जी नहीं, वैसे फिल्टर लगे हुए हैं पीने के लिए, और दूसरे हौदियाँ भी बने, लेकिन हमने अपना खुद का बोर करवाया हुआ है। तो जो दूसरे हैं उनको मसले पेश आ रहे हैं पानी वगैरह के लिए? सब ने अपना अपना बोर करवाया, वैसे गवर्नमेंट का भी पानी है उधर, जरा फिर वो दिक्कत हो जाती है, रश बड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे 30 लाख वाला जानवर कौन सा है आपका? ये वाला। आए उस पर चलते हैं। अच्छा ये, ये इसका नाम टाइगर है? जी, साहिवाल क्रॉस में टाइगर है, वो साहिवाल में लाल नुकरा है, और वो चोलोसानी गुलाबी है। इनको कितने कितने टाइम से पाला आपने? इनको मैडम ने बोला तकरीबन 2.5 साल पाला है। इसको भी? जी जी। खुराक क्या थी इनकी? खुराक इनकी देसी है, चना है, मकई है, चोकर है, खाल है, और सूखी रोटी है, दूध वगैरह, दूसरा मक्खन, मौसम के लिहाज से ना सरसों का तेल है, देसी घी है, डालडा घी है, इस तरह देसी घी, डालडा घी, मकई, चोकर, इससे ये सारे पाले हैं। दूध भी देते हैं। और अभी तक का जो इनका सबसे महंगा जानवर है वो है ये टाइगर, इसकी कीमत है 30 लाख रुपए। जी जी, ठीक है। मुझे बताइए चारा कहाँ से लाए हैं? ये चारा हम खुद अपने फार्म से लेके आए हैं। अपने फार्म से लाए? अंदर एंट्री के कोई पैसे हैं? जी जी, एंट्री के पैसे। कितने पैसे हैं? 600 रुपया फी मंथ का। 600 रुपया फी मंथ, कितना लेकर आए आप? तकरीबन ये 50 मन के करीब है। 50 मन के करीब लेकर आए? थोड़ी है, और गंदम है, चने वगैरह, मक्की है, खाल है। तो अंदर से जो गवर्नमेंट की तरफ से चारा है उसकी क्या कीमत है? वो 900 रुपए मान है भाजी। 900 रुपए और बाहर से इस मंडी के जो बाहर है उसकी क्या कीमत? बाहर से तकरीबन होगा 400 या 500 रुपए होगा फी मन का। फी मन का इतना फर्क रखा हुआ है, अंदर फर्क क्यों रखा हुआ है इतना? भाजी वो ठेके पे देते ना, गवर्नमेंट ठेके पे देते, आगे वो ठेकेदार जिन्होंने इतने पैसे भरे होते हैं उन्होंने भी कमाई करनी है। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है ना, तो आधे हाथ का फर्क है बस। वो ठेके के हिसाब से पता नहीं है उनका ठेका महंगा या सस्ता है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। बाहर से तकरीबन 500 रुपए माना है, इधर से 900 रुपए माना है, सब चारा जी। और चारा अच्छा है वैसे? चारा ठीक है, यहाँ पे चारा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चारा बिल्कुल फ्रेश है। पानी आप अपना लेकर आए हैं, शेड आपने खुद बनाया है, चारा आप अपना लेकर आए हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी ना यहाँ पे? नहीं प्रॉब्लम ठीक है वैसे, इधर इंतजाम ठीक है, सिक्योरिटी वगैरह भी ठीक है, और लोग आते हैं पूछते हैं कोई मसला मसाइल तो नहीं है? आ रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे भी? जी जी, इंतजामिया के बंदे आ रहे हैं। ठीक है, आप अपना फुल बंदोबस्त करके आए, अभी तो आपको कोई मसला नहीं पेश आ रहा, आप किसी दूसरे से बात करते हैं। ये चारा अंदर से लिया कि अपना लाए हो? जी अपना लाए, यहाँ से अंदर से लिया। अंदर से लिया? क्या रेट पे मिल रहा है? 1400 रुपया मन। 1400 रुपया मन? 900 रुपया मन कौन सा है? वो सबस चारा? जी। 850 रुपए। 850 रुपए जी। तो ये बाहर क्या रेट है इसका? बाहर मैक्सिमम कोई फैन का 700 रुपए रेट है, 700। ये आधो आठ का फर्क ले रहे हैं जी। तो आप अपना नहीं लेकर आए हैं? इजाजत ही नहीं है अंदर लाने की, सिर्फ सबस चारा लाने की। उसी चीज की इजाजत नहीं है यहाँ बाहर से लाने की, सिर्फ हम जो भी खरीद सकते हैं अंदर से खरीद सकते हैं।
लेकिन कुछ लोग लेकर आए हैं यहाँ पे फी मन के हिसाब से, कुछ लेके आए हैं जिनका कुछ कोई मसलन के हाथ लगता है वो ले आए। ठीक है, जो पैसे पैसे दे के अपना जो चारा लेकर आना चाह रहे हैं वो लेकर आए हैं जी, जिनके पास फैसिलिटी है अंदर लाने की वो ले आए हैं। आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी? नहीं है। ठीक है, आपका किस इलाके से आए हो? हम जिला कसूर से आए हैं। कसूर से आए हो, कितने जानवर लाए हो अपने? हम यहाँ पर 20 जानवर लेके आए हैं। 20 जानवर, बाकी अभी और आ रहे हैं? जी अभी आ रहे हैं। ठीक है, सबसे महंगा जानवर अभी तक कौन सा है आपका? हमारा सबसे महंगा जानवर है जो 8 लाख का है। 8 लाख का है जी। ठीक है, कितने अर्से से पाला उसको? हमने उसे 1.5 साल पाला। अभी तक कोई मसला आ रहा है पानी वगैरह का जानवर के लिए? नहीं नहीं, पानी वगैरह का कोई मसला नहीं है, यहाँ पर मोटर्स वगैरह लगाई है उनकी, उन्होंने इजाजत दी है, मोटर वगैरह चल रही है। अभी तक क्या चीज जो है जो बेहतर हो सकती थी? जो बेहतर हो सकती थी कुछ ऐसा अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। चारे की कीमत कम कर सकते थे? हाँ कर सकते थे, जो ये बैठे हुए हैं ठेकेदार की कीमत कम कर सकते थे। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। ये बेसिकली उनका भी मसला नहीं है कि चारे की कीमत उन्होंने बढ़ाई हुई है, मसला सारा मसलन के पीछे से ही है। वो भी मसलन के जितनी ज्यादा दे रहे हैं मसलन के पैसे, वो भी ठेके दे रहे हैं उनके जहाँ और बैठना है उन्होंने भी मसलन, उनको भी ये उनकी भी मजबूरी है, एक महंगा देना उनकी मजबूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद अशरफ। अच्छा, जानवर लेने आए हैं कि सिर्फ देखने आए हैं? अभी लेने भी आए हैं, देखने भी आए हैं। कुछ समझ आए हैं? कुछ जी देख के आए, समझ नहीं अभी आ रही। क्या समझ नहीं आ रही? रेट ज्यादा है? रेट ज्यादा है। पिछले साल की निस्बत कितने ज्यादा है? करीबन जो 1,00,000-1,20,000 का मिलता था वो 2,20,30 कर रहे हैं। तो क्या वजह बता रहे हैं इतना महंगा करने की? बस यही पट्टे महंगे हैं, कभी ये है, बस इससे रहे बता रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अच्छा, जानवर लेने आए हैं? जी जी, जानवर लेने। क्या रेट बता रहे हैं? तो रेट बहुत ज्यादा है, कोई भी जानवर 3-4 लाख से नीचे है नहीं। जानवर उसके मुताबिक है जो रेट बता रहे हैं? नहीं नहीं, जानवर की हड्डियां निकली होती हैं तो 2 लाख मांगते हैं, 3 लाख मांगते हैं, तो समझ नहीं आ रही है। अभी तो फिर रही है, सुबह से आए हुए हैं। सुबह से आए हुए, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही है? नहीं, अभी तक कोई समझ नहीं आ रही। तो इनका क्या वजह है कि रेट क्यों ज्यादा किए? मैंने पूछा नहीं आपने उनसे? पूछा, वो कहते हैं भाई हर चीज महंगी है, महंगाई हो गई है, पट्टे महंगे हैं, वो रेंट बहुत ज्यादा पड़ रहा है, कॉस्टली बहुत, हमें कॉस्ट बहुत हाई आ रही है पानी की, इसकी, लैंड की, तो जिसकी वजह से हमने जानवर का मोल उस हिसाब से लगा रहे हैं। ठीक है, ये जानवर पसंद आया आपको? हमने जोड़ी का पूछा। ये जोड़ी कितने की बता रहे हैं? कौन है इसके मालिक? आप हैं? कितने का बता रहे हैं दोनों जोड़ी का? 5.5। 5.5, ये ठीक बता रहे हैं रेट? मैंने इनको 300 लगा दिया, 3 लाख मतलब। 3 लाख का है? इनसे पूछे 3 लाख में नहीं देंगे इसको? नहीं देंगे। कितने में देंगे? फाइनल क्या देना है? 2.25 5.25। कितने का? 5.25। 5 में दोगे? ये ठीक है जानवर, आपने देख लिया इसकी सेहत वगैरह? अब आपने डील करवानी है तो करवा दें। जानवर ठीक है वैसे? जानवर ठीक है, प्राइस बहुत ज्यादा है। प्राइस क्यों ज्यादा है? जैसे प्राइस बता रहे जानवर उस तरह के नहीं है? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा है ये, कम से कम 300 हमने कह दिया, 320 तक हो सकता है। 3,20,000 तक? हाँ, 3,20,000 तक। सो अगर इनकी समझ में आता है तो आप सिफारिश करते हैं, हम लेने को तैयार हैं, जो कि मुझे लगता नहीं है तैयार हैं। हाँ जी, वो तो भागी है, उनको आपके रेट नहीं पसंद आ रहे हैं? हमें उनके रेट नहीं पसंद आ रहे, जानवर पसंद आ रहे हैं, रेट नहीं पसंद आ रहे। अब देखें, ज्यादा है रेट? पिछले साल भी ज्यादा थे लेकिन इस साल तो और ज्यादा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट में जो है ना खरीदार भी बहुत कम है, इस तरह का फील आ रहा है, क्योंकि 2 हफ्ते ही रह गए ईद में और इस तरह नॉर्मली रहता नहीं है कि इतना कम रश में ही आते हो वैसे? नहीं नहीं, हम इन्हीं दिनों में आते हैं और बहुत ज्यादा रश होता है, और क्योंकि वीकेंड भी स्टार्ट हो गया हुआ है, सो अब रात को देखना पड़ेगा, थोड़ी देर और हुई तो इधर रात ही हो जाएगी। अभी दोबारा आ गए देना फिर 3.5 लाख में? नहीं, बाकी 30 आप डालेंगे? 3,20,000 में नहीं देने, पूरे 5 में में फाइनल। मैं लगाऊंगा तो मैं लगाऊंगा, मैंने देने हैं, वो भी अब्बू से पूछ। चांद रात पे फिर लगा लोगे? 3 नहीं नहीं, 5 के देंगे यार, मुझे फाइनल एंड 5 तो थल्ले आ जाओ थोड़ा जा। नहीं फाइनल 10,000 का? 10,000 में दादा देता हूँ, 3,10,000 दे देता हूँ। नहीं यार, कुछ इतना काम क्यों नहीं कर रहे हो? इकट्ठा 5 क्यों मांग रहे हो? खर्चे बहुत है इसके। इसके क्या खर्चे है? इसका क्या मैनिक्योर पेडिक्योर कराना है? बस तो चारा ही खाना है। चारा कितने का पड़ रहा है आपको? चारा पड़ रहा है 2,000 का एक बछड़े के ऊपर, मैं दे देता हूँ। चारा कितने का पड़ रहा है? 2,000 का खर्चा है, 2,000 रोज का खर्चा है इसका। 2,000 दिन हो गए,
कितने का अंदर से? एक सेकंड, चार दिन हो गए, चार दिन का खर्चा मैं दे रहा हूं। एक सेकंड अंदर से चारा कितने का मिल रहा है आपको? अंदर से 1400 रुपए मन थोड़ी मिल रही है। अपना नहीं लेकर आया? नहीं, अपना नहीं लेने। सब चारा भी अंदर से ले रहे हो? हां जी सर, वो खराब हो जाता है। सर आने नहीं देते, आने नहीं देते। मैंने देखा कुछ लोग 50-50 मन लेकर आए, वो कैसे लेकर आए? जब लेकर आते हैं बाहर से लाने नहीं देते, खोजते हैं, वो खोजते हैं जब बाहर से लाए तो लेकर आया है। वो हमने खुद पूछा है उनसे, 50 मन लेकर आया, फी मन के हिसाब से पैसे दिए तो खोज ले दे वो। और टोके वाले जो दिन ठेका पर है ना, 1 करोड़ का, वो खोज ले लेंगे। फिर कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, खोल लेंगे। जो इतने चारे की कीमत देंगे अपने, वो ज्यादा दे रहे हैं? ज्यादा, बहुत ज्यादा। अधे से ज्यादा, 400 रुपये, 850-900 रुपये। हालांकि मरियम साहिबा ने क्या क्या फीस नहीं लिखती जाएगी ना? हाँ जी, 25,000। मरियम साहिबा कौन ने? वजीर आला। चाचा से सेफ है, चाचा ने पता है। तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे, आप मंडियों में क्या होना चाहिए चेंज? कहना ये चाहता हूँ कि उनको ये पर्ची को बंद करें और पट्टे जो है बाहर से जो मिल रहा है वो पट्टे लेने चाहिए। क्योंकि आधुनिक 400 रुपए, 800 रुपए किलो, 850 रुपए, 850 रुपए किलो दे रहे हैं। मन 850 रुपए मन, बाहर से 400 रुपए मन बिक रहे हैं। इसलिए आप जानवर के रेट नहीं कम कर रहे हैं? इसलिए कम कैसे होगी, उनको ऊपर ही खर्चा पड़ना है। और कोई मसला पेश आ रहा है? और मसला पेश आ रहा है जो उनको को भी पर्ची को बंद कर रहे हैं, 15 दिन के लिए पर्ची बंद होती है। कौन सी पर्ची? जो पर्ची बाहर से ले रहे हैं, 1000 रुपया जाने का ले रहे हैं, 1000 रुपया आने का ले रहे हैं, वो आपको पड़ रहा है। इस मत पर जो खरीदार लेकर जा रहे हैं जानवर, पर्ची है 1000 जाने का, 1000 आने का ले रहे हैं। एक ये भी होता है मैं कि जब यहाँ से निकलो ना, तब ये 1000 रुपए फीस जानवर लेते हैं। अगर आप पैदल लेकर जा रहे हो तब का रेट अलग होता है, अगर आप गाड़ी में से यहाँ से लेकर जा रहे हो, मतलब अगर मैं खरीदार हूँ, इनकी होती है? नहीं नहीं, गाड़ी अगर हम कोई भी करवाते हैं ना, अगर मैं खरीदार हूँ, मैं गाड़ी से गाड़ी करवा के अंदर से जानवर बाहर लेकर जा रहा हूँ, तब ये एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं, 1000 रुपीज फी यूनिट जो अगर जानवर होगा, अगर बैठे की बात करें। अगर हम पैदल लेके जाते हैं तब 200 था लास्ट ईयर, अभी मुझे पता नहीं। जानवर यहाँ से बाहर लेके जाने का है? अब 1000 रुपए पैदल, पैदल ही लेकर जा रहे हैं। अब अभी आज का मुझे नहीं पता, 1000 रुपए जाने का, 1000 रुपए आने का। ठीक है, तो इस तरह की यहाँ पे मोनोपोली चल रही है। अगर अगर आप प्रोटेस्ट करते हो ना तो आपको जाने देते हैं, क्यों कि कोई किसी किस्म की हैपनिंग ना हो और ये चले जाए, बात ना उठे। ऐसे कोई टेंडर की ऑफिशियल फीस नहीं है, जिन्होंने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं खरीदार हूँ, अगर मैं खरीदार हूँ, मैं ना मेरा पैसा चोरी का ना डाके का, मैं टैक्स देता हूँ, मैं इनको पैसे देकर चीज लेकर जा रहा हूँ, वो चीज मेरी है। जब ये अंदर जानवर लेकर आ रहे हैं तब भी ये पैसे दे रहे हैं, तो हम क्यों पैसे? और ये कितने जानवरों की? और ये एक साल पहले नहीं था, ये पिछले साल से ये भी चोरी डकैती सारी शुरू हुई है। एक मिनट, एक जानवर की जो पट्टी है वो 1000 रुपया है, अगर आप 20 जानवर लेके आए तो 20,000 रुपया दे रहे हैं पट्टी। 20 लेके आएंगे तो 20,000 रुपया, 1500 रुपया गड्डी का पर्ची, और ये गाड़ी का खर्चा 1500 रुपया पर्ची है, तो ये पट्टी बंद होनी चाहिए। जानवर जो अंदर लेके आने के पैसे है वो तो कब से चलते आ रहे हैं, वो आज के नहीं है। जो जानवर अंदर लेकर आने के वो कब से ही है, वो आज से नहीं है, पिछले 10 साल से चलते आ रहे हैं। लेकिन जो ये नया चीज, जो ये नया स्टाइल इन्होंने शुरू किया ना कि जानवर बाहर लेके जाना, और बहुत से लोग ऑलमोस्ट 80% जो थी वो पहले से थी, लेकिन बाहर लेके जाने, बाहर लेके जाने की भी अब से है, पिछले साल से शुरू की भी है, स्पेशली शाहपुर कांजरा में। पहले इस तरह का कोई ऐसा सीन ही नहीं था। किसी और मंडी में है ऐसे फीस की? शाहपुर कांजरा में ही है। हम आते शाहपुर कांजरा भी, फिलहाल मुझे आइडिया नहीं है। सब मंडियों में ऐसे है, मुल्तान, भावलपुर, जहरपुर, दिशा मंडी सारे हैं। ठीक है, और कोई मसला मसाइल आ रहे हैं यहाँ पे? पानी वगैरह का? पानी आपदा लाया हुआ है, पानी का है, जानवरों को सही मिल रहा है? ठीक है, सारा कुछ आपदा की दवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानियाल है। अच्छा, क्या करने आए हैं? मैं यहाँ पे बेसिकली परचेजिंग भी करनी है जानवर की। लेकिन तो क्या अहवाल है? बुरे ही हालात है, बहुत ही जो है इस बार प्राइसेस बहुत ज्यादा अप है, बहुत ज्यादा रेट है। अगर आप बड़े जानवर की तरफ जाएं तो पिछले साल की निस्बत एटलीस्ट जो है वो 1 से 1.5 लाख का फर्क है, और अगर आप छोटे जानवर की तरफ आएँ तो कमो बेश 45 से 50 हज़ार का फ़र्क है, कि जो जानवर आपको पिछले साल 70 से 75 हज़ार में मिल रहा था वो इस टाइम जो है वो 1.5 लाख से प्लस है। तो जो प्राइस वो मांग रहे हैं वो जानवर की सेहत के अकॉर्डिंग है? वो तो फिर मांगने को फिर जो है वो मांगते ही हैं, क्योंकि उन्होंने भी सारा साल मेहनत की है, लेकिन प्राइसेस अप ही हैं। अब जो वो मांगते हैं वो तो नहीं कस्टमर ने दे देना उन्हें, लेकिन ये है कि कहीं पे डील बन भी जाती है, कहीं पे नहीं भी बनती। प्राइस इस दफा ज्यादा है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम।
सर क्या इंतजाम है, पिछले साल से क्या डिफरेंस है, क्या नए इकदाम किए गए हैं? जी बेसिकली तो इंश्योर हमने 4-5 चीज़ें इंश्योर की हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे जो भी जानवर आए उसका प्रॉपर उसके ऊपर जो एंटी टिक स्प्रे है और जो जानवर से बीमारियाँ फैलती हैं उसको इंश्योर किया जाए। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जानवरों के लिए ऑब्वियसली जब आएंगे तो उनके लिए शेड हो, उनके लिए पीने का पानी हो, चारा हो, और ये सारा कैपिटल की जो हमारी ये कैटल मार्केट मंडी कंपनी है इस चीज़ों को इंश्योर कर रही है। शाहपुर कांजारा में एक बड़ा मेजर इशू होता है ट्रैफिक का, कि जो मंडी है वो मुल्तान रोड के ऊपर ही जो रोड लीड कर रही है इस प्रेमिसेस को, वहाँ पे जानवरों की सेल शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो ग्राहकों की गाड़ियों की लाइनें हैं वो मुल्तान रोड तक चली जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है। तो उस इशू को हमने अभी रिजॉल्व किया है और हम ये इंश्योर करेंगे कि वो जो मुल्तान रोड से लेके मंडी तक जो सड़क है तकरीबन आधा किलोमीटर। अभी जो व्यापारी आ रहे हैं उनको कोई मसले तो नहीं आ रहे? आपने पूछा उनसे? अभी मैंने लोगों से पूछा है, अभी तो क्योंकि अभी रश नहीं है इतना, लेकिन अभी तो ऐसा मसला नहीं है, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे और जगह जगह इन्होंने भी पूरी मंडी के अंदर लगाए हुए अपनी इन्फॉर्मेशन कि अगर किसी को इशू है तो वो इस नंबर पे रब्ता कर सकता है। चारे का हमने पूछा है काफी लोगों से, वो कह रहे हैं चारे के जो रेट्स हैं जो अंदर मंडी के हैं और जो बाहर हैं वो डबल हैं। ये मैं डबल से भी ज्यादा है वो कि इसका बताते हैं चारे का रेट्स होते हैं ये सारे साल के लिए होते हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने जाना लेबर लाना वन जाना, तो जो मंडी के अंदर जो चारे का रेट होता है वो बाहर से थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा जी वो, लेकिन वो नोटिफाइड रेट्स हैं हमारे और वो पूरे ईयर के लिए नोटिफाइड होते हैं, क्योंकि ये मंडी ऑक्शन हमने की हुई है तो हम उस रेट्स को रिवाइज भी करते रहते हैं। आपने हमारे इलम में लाए हैं, हम आज भी देख लेते हैं कि उसका डिफरेंस जो है वो इतना होना चाहिए। 400 रुपए अगर बाहर है तो अंदर 850-900 रुपए किलो मिल रहा है। जी डिपेंड करता है, हमने तो वो भी अलाउ किया सर कल के वो कुछ ऐसे चारा है यहाँ अवेलेबल नहीं था, तो हम तो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कह रहे हैं कि जो जहाँ अवेलेबल नहीं है लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहे हैं, कुछ रोड ग्रास के ऊपर अल्फा अल्फा के ऊपर जानवर है, रोड ग्रास के ऊपर है, वनडे के ऊपर है, तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनको हमने कहा है कि जो यहाँ चारा अवेलेबल नहीं होगा वो फ्री आएगा। नहीं वो कह रहे हैं, हमने कुछ लोगों से बात भी की है, वो 50 मन चारा लेके आए हैं, फी मन के हिसाब से उन्होंने पैसे भी दिए हैं यहाँ पे अंदर लाने के लिए। हीट वेव के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं अभी तक? देखिए उसमें यही है कि ऑब्वियसली एक तो ये शेड है, बेसिकली तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जानवर जो है वो शेड में रहे, और जगह जगह आपने देखा होगा पानी की कूलर इन्होंने लगाए हुए हैं, पीने का पानी अवेलेबल है लोगों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। ठीक है, एक और इशू यहाँ पे इनको आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जब जानवर बाहर लेकर जाते हैं तो वो एक पर्ची लगती है या पैसे लेते हैं वो लोग, अंदर आने के तो लेते ही लेते हैं, लेकिन जब बाहर लेकर जाते हैं तो जो खड़े होते हैं वहाँ पे 500-1000 वो मांग रहे होते हैं, लेकिन वो तो आपके टेंडर में तो नहीं है, तो वो कौन लोग ले रहे हैं? आने की जो इनकी ऑप्शन फीस है वही लेते हैं? नहीं वो जाने का भी कह रहे हैं जो लोग लेकर जाने का हम इंश्योर करेंगे कि ऐसी जाने का जो व्यापारी यहाँ से लेके जाते हैं उसकी 2-3 फीस होती है, जैसे टाइडिंग फीस है या जो खरीदार लेकर जा रहे हैं, खरीदार तो आज से मंडी स्टार्ट हुई है तो उससे पहले तो यहाँ पे व्यापारी होते हैं ना, तो जो लोग अपने पर्सनल के लिए जाने के लिए ले जा रहे हैं उन पे कोई ऐसी चीज नहीं लागू। बहुत अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसको इंजेक्शन लगाने लगे हो? हाँ जी। किस चीज का इंजेक्शन? इन्हें जी लात से दरा दिन साठ लगी। टांग चोट कैसे लगी है? अंदर लाते हुए? हाँ जी। तो इंजेक्शन कौन लगाएगा? इधरों के बात करें। आप लगाएंगे? इंजेक्शन खुद लगाओगे? पास लेकर आए हो सारे इनकी दवाइयाँ वगैरह? नहीं जी लेनी है। लेकर आनी है अभी? हाँ जी। ठीक हो गया, तो आप मंडी की तरफ से कोई दवाइयाँ वगैरह, कोई डॉक्टर वगैरह कोई अवेलेबल नहीं होता यहाँ पे? नहीं नहीं कोई नहीं। कोई भी नहीं होता? सही है, तो कोई भी बीमार होते तो आपको कैसे पता होता कि इसको यही दवाई देनी है, यही टीका लगाना है? साडा कारोबार है तां दी भाई। तो ये एक टीके में इसकी टांग सही हो जाएगी? हाँ जी। तो आप किसी को बताओगे भी नहीं कि इसकी टांग में मसला है? नहीं जी सही हो जाए बढ़ कर लोड बताओ। क्या कीमत है इस जानवर की? 5.5। 5.5 लाख? ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। पानी बेच रहे हो? हाँ पानी बेच रहे हैं, 10 रुपए का एक गिलास है जी। तो यहाँ पे इन्होंने नल वगैरह कोई ठंडा पानी का इंतजाम नहीं रखा हुआ पीने वालों के लिए? पीने वाला है जी, गर्म पानी होता हम उधर 100-100 रुपए के बर्फ लेके इसमें डालते हैं और 10-10 रुपए का गिलास बेचते हैं। 10 रुपए का गिलास पीते हैं लोग? हम खाने वाल से आए हैं इधर किराया लगा कर। तो यहाँ पे लोग पीते भी आपसे पानी लेकर? हाँ। अपनी बोतलें साथ या फिर यहाँ से जो इंतजामिया का पानी है वो यूज नहीं करते? हाँ नहीं यूज करते, इधर का पानी अच्छा नहीं है ना, फिल्टर वाला पानी हम उधर से लेके आते हैं
और बर्फ डालकर इधर ठंडा पानी 10-10 रुपए का गिलास बेचते हैं जी। तो आपके साथ कोई और लोग भी आए हैं? हाँ, हम 10 लोग आए हैं वो खानेवाल से। खानेवाल से किराया लगा कर आए? हाँ, कितना किराया लगा कर आए? 1500 रुपए एक बंदे का। तो यहाँ पे 15 दिन यही रुकोगे? हाँ, इधर ही रुकेंगे। तो कितनी कमाई हो जाती है? बस दिन का 1000-1200-1400 इतना बन जाता है। किराया भी क्वार्टर का है, वो भी पे करना है हमें। यहाँ पे रिहाइश किधर? रिहाइश उधर है वो घोड़ा स्कीम पर। ठीक है, तो ये पानी ज्यादातर कौन पीता है, जो व्यापारी आए होते हैं या फिर जो खरीदार आए होते हैं? वो जो व्यापारी आते हैं ना वो पी जाते हैं 10-10 रुपए का, जो कोई 20 भी दे जाता है, कोई 10 भी दे जाता है। ठीक है, यहाँ पे और कोई इंतजाम होना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए। इधर जो गरीब लोग आते हैं उनके लिए फिल्टर लगाए हुए हैं, ठंडा पानी नहीं है इधर, वो सारा गर्म पानी लगाया हुआ है। ऐसे भी यहाँ पे हीट वेव चल रही है, कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो स्प्रे है या जो शेल्टर्स बनाए गए हैं वो इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन पीने के लिए यहाँ ठंडा पानी अवेलेबल नहीं है। दूसरे शहरों से लोग आए हुए हैं और ये यहाँ पर आकर एक गिलास 10 रुपए का पानी बेच रहे हैं ठंडा, जो कि व्यापारी भी इनसे ही पानी लेकर पी रहे हैं। यहाँ पे ठंडे पानी का ऐसे कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला, क्या रेट्स लगाए हैं? उन्होंने तो 140 बोला है, मैंने तो उनको 90 बोला। 90 दोनों का, जोड़ी का जी। 140 वो बोल रहे हैं, तो 140 ज्यादा रेट लगा रहे हैं? ज्यादा कह रहे हैं। पिछले साल से ज्यादा कि कम है? पिछले साल से तो ज्यादा। तो बकरे देखते हुए क्या चीजें जो है वो जहन में रखनी चाहिए ताकि आपको घर जाके रिग्रेट ना हो? ताकि देखने में मुनासिब हो, ज्यादा मतलब के वीक ना हो, खूबसूरत हो। दूसरा के दांत दो होने चाहिए। दांत दो होने चाहिए। इनका वेट कितना है जो आपने पसंद किया? फिर बकरे का वेट कितना होगा? ये होगा अगर वैसे जिंदा का हिसाब लगाए तो 30-35 किलो होगा। ईच में 30-35 किलो होगा। ठीक हो गया, तो आपने इनकी चेकिंग वगैरह कर लिया? बकरे इनके दांत दो ही हैं दोनों के। तो आप रेट क्या फाइनल किया? उसको क्या कह रहा है, कितने का लगाएगा? वो मुझे कह रहा है 5000 कम दे देना, 1.35 दे देना। 1.35 दे देना, मैंने उनको 90 बोला। रेट बन जाएगा आपका उसके साथ? कोशिश तो कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। 1.40 सही है, मुनासिब है? मुनासिब है माशाल्लाह। 50,000 रुपए के तो बच्चे लेके पालते हैं। 50,000 का बच्चा लेके पालते हो? कितनी देर में पल जाता है ये? पल जाता है 6 महीने में। 6 महीने लगते हैं पालते हुए? ठीक है, अभी 1.40 दोनों का रेट लगाया है। कितना गोश्त होगा इसमें? दोनों का मिर्च में होगा 60 किलो। 60 किलो, 30 किलो एक बकरे का गोश्त होगा। कम नहीं करोगे? नहीं, 100। 1.40 से कम नहीं? नहीं। फुल फाइनल। कितने जानवर लेके आए हो? माशाल्लाह 50। 50 अभी तक कोई सेल हुए सुबह से? जी हुए, 5-6 हुए। उसी रेट में हुए हैं? नहीं, इससे बढ़िए थे वो बड़े जानवर है, दो वो खड़े हुए अभी तो वो गाड़ी के पास। कितने के सेल करने हैं? वो 2-4 लाख रुपए। अभी 4 सेल हो गए हैं। मैंने कहा दोनों के 4 लाख रुपए मांग रहे हैं हम। दो के 4 लाख रुपए मांग रहे हो जी? क्यों, उसमें कितना गोश्त है? वो माशाल्लाह दो दो मन का है। दो दो मन है उसमें? क्या रेट लगाएंगे इसका? कितने का जी? जान दे यार, गुस्से नहीं यार, वो खौफे खुदा कारी यार। कितना लगाएंगे आप इसका रेट? 1 लाख रुपए दोनों का। वो 90 कह रहे हैं, आप 1 लाख कह रहे हैं? हाँ, 1 लाख रुपए में दोनों यार। खौफे खुदा कर दे दे दे। बकरे के रेट, इनके रेट बढ़ाने का मकसद क्या है? क्या कुछ महंगाई का? बहुत महंगी है। क्या खुराक क्या खिलाते हो? चिल्लर संभाल, सामना भी बहुत मुश्किल है। खाते तो सिर्फ ये पट्टे ही है ना? पट्टे भी खाते हैं, दाना भी खाते हैं, सारा कुछ खाते हैं ये तो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तोड़े ने बकरे है? हाँ जी। की रेट है ना दा? इना दा 5.5 लाख। 5.5 लाख। कितना गोश्त है ना इच? इना जे है गोश्त 110 किलो। 110 किलो। 110 किलो। फाइनल की रेट लाना है ना दा? फाइनल दा की आएगा को गाग? तो 2-3 हजार कट हो जाएगा। 2-3 हजार कट हो जाएगा? कट हो जाएगा। अन्य महंगे क्यों दे रहे हो? महंगे को नहीं, पिछे ही पड़ेगा। इन्हें दूध दे पले, इन्हें मेहनत की थी, ये 2 साल दे ने पिछो आए ना। क्या आप पाले ने? आप ही पाले ने कर, 2 साल दे। 2 साल दी मेहनत है ये? हाँ जी। की खुवांदे रहे हो? इन्हें दूध दाल कड़ा समान बड़ा कुछ। इन्हें नाम की है ना दा? एक का नाम मित्तल ने रखे, एक का नाम मित्तल बच्चन। ऐसा नाम अमिता बच्चन है क्या? ऐसा जानवर लेके आयो? ये लेके आये कुछ 26। 26 जानवर लेके आयो? कुछ खलोन नहीं दिंदे, पानी की बड़ी परेशानी है। पानी की परेशानी है? बड़ी परेशानी।
ਕਿਉਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆ? ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਆਪੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਬਣੇ ਆਪ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੂਲਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲੱਭਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਫੁੱਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਕਰੀ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀ ਇਹਦੀ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਓ। ਹਾਂ 14 ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਿਤਾ ਬੱਚਨ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਬਸ ਦੋ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? 300 ਰੁਪਏ ਫੀ ਜਾਨਵਰ। 300 ਰੁਪਏ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਕੇ? ਔਰ ਅਗਰ ਲੋਡਰ ਮੇ ਕਰਵਾਣਾ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਮ ਅਗਰ ਪਿਕਅਪ ਮੇ ਹੋ ਤੋ 700 ਰੁਪਏ ਪਿਕਅਪ ਕੀ ਖਰਚੀ ਹੋ? 700 ਰੁਪਏ ਪਿਕਅਪ ਕੇ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਕਾ 300। ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ? 1300 ਰੁਪਏ ਤੋ 1000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਕਾ। ਅਗਰ ਦੋ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਤੋ 1300 ਰੁਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਭੀ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਮਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੇ ਸੁਝਾਅ ਬਾਤ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਖਰੀਦਾਰ ਹੈ ਉਨਕੇ ਲਈ ਤੋ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਿਕਟ ਕਾ। ਮੈਮ ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਫਤਰ ਹੈ, ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾ। ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦਫਤਰ ਸੇ ਹੋ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰੋ ਕਾ ਦਫਤਰ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿੰਨੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? 2800। 2800 ਰੁਪਏ? ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਕਾ 2800, ਇਹ ਮੈਨੂੰ 1000 ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ। ये आप ये कितना है? 2600 और ये 2700 रुपया कर रहे हैं। 2300 आपने अपने पैसे खरीदा है? ये शाहजोर है इसलिए इसका 2800 रुपए है। शाहजोर की पर्ची 2500 रुपया फिक्स है। किसकी पर्ची? पर्ची लोडिंग प्रणाली की जो पर्ची है ना वो 2500 रुपए की पर्ची है। शाहजोर का है इसलिए? शाहजोर का बिल्कुल। लेकिन हम आप खड़े होकर बात करेंगे। शाहजोर की जो पर्ची है ना लोडिंग प्रणाली की, खड़े होकर इस साइड पे वो कैमरा है। शाहजोर की जो पर्ची है लोडिंग प्रणाली की जो पर्ची है वो 2500 की है। फी जानवर 300 रुपया। फी जानवर 300 रुपया, लोडिंग की पर्ची अलग-अलग 2500 रुपया, 2800 रुपया बन गया। लेकिन सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि ऐसा कोई बात ही नहीं है, ये सिर्फ व्यापारियों के लिए। पॉइंट पर जो है ना, पॉइंट पर पर्ची होती है जो पॉइंटेबल है, बाहर पर्ची नहीं है। जो बाहर जो मेन नाका है उधर सिर्फ पर्ची चेक होनी है, पर्ची चेक होकर वापस चली जानी। जानवर खरीद के पैसे तो ये दे आए हैं। बिल्कुल, ये जानवर परचेजिंग की पर्ची है, ये मंडी की रसीद होती है। ये गवर्नमेंट ने अभी रिकॉर्ड नहीं किया है। 2 अरब का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है ना? ये 2 अरब का कॉन्ट्रैक्ट है, किस बात का उन्होंने लिया? इसी बात का लिया, ये गवर्नमेंट ने जो पैसे पे किए लिए ना ठेकेदार से, गवर्नमेंट से ठेकेदार ने 2 अरब का कॉन्ट्रैक्ट लिया। अब आप ये आवाम की पसलियों से निकाल रहे हैं। जाहिर सी बात है, पर्ची वो वहाँ पे जानवर खरीद कर आए, अब आपको वहाँ की 2500 रुपया दे रहे हैं एक्स्ट्रा। 2500 नहीं दे रहे, ये लोडिंग प्रणाली की पर्ची देनी है 2500, 300 रुपया जानवर की पर्ची देनी है। गाड़ी वाला लोड करके लेके जाएगा, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस है। अगर हम पैदल जिस तरह जानवर लेके जा रहे हैं, हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस है। जो सेक्रेटरी साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा इस किस्म का कोई सीन नहीं है, ये आपके सामने हो रहा है, ये भाई ने दिया आपका 2500। आपने कौन लेकर जा रहा है में? और किस चीज का ले रहे हैं? मतलब सेक्रेटरी साहब जो के इस सब चीज को लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो फिर उनकी क्या हैसियत है? हमारी अगर उनकी बात भी हुई है, उन्होंने यही कहा है कि ऐसे जैसे कोई फीस नहीं है। अगर ये फीस है भी तो व्यापारियों के लिए है, खरीदार के लिए ऐसे कोई फीस नहीं है। अगर ऐसा कोई सीन नजर आए तो हम उसको लुक आफ्टर करेंगे, हम देखेंगे। पर पहली पर्ची जो है ये 2500 की निकली है, 2800 की जो के कह रहे हैं शेजोर में लोडर की फीस 2500 है, जानवर की फी कट प्राइस जो है वो 300 रुपया है। आपसे कितने मांगे उन्होंने? हमसे अभी हम पैदल लेके जा रहे हैं जानवर, हमसे 300 रुपए फी जानवर मांगे। हमारे पास 2 जानवर है, क्योंकि मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि ये गलत है। मेरे हलाल के पैसे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं मेहनत से पैसे कमाता हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं हर चीज का टैक्स देता हूँ। मैं इधर एक्स्ट्रा पैसे क्यों दूं? आगे मैं ऑलरेडी जानवर महंगा ला रहा हूँ, वो मेरी किस्मत है, वो मैं व्यापारी से जितना मर्जी लड़के लूं, लेकिन मैं इधर आके 300 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दूं? बात 300 रुपए की नहीं है। हम जो सेक्रेटरी साहब के पीआर है उनको फोन करके पूछने की किस चीज की पर्ची है, ये उनके उनके नोटिस में है, ये सारी चीजें ये मुकम्मल उनके नोटिस में है। 3 अरब का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया, ये 2 अरब का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया वो सिर्फ इस वजह से लिया है कि जो आप 300 रुपए फी का जानवर पे लगाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया।
एक जो डिजिटलाइजेशन हुई है 2024 की कुर्बानी में, ये है कि स्टेट बैंक ने तमाम बैंक को अलाउ कर दिया है जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर सकेंगे क्यूआर कोड के जरिए। ये हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इमरान मेरा नाम है जी। मुझे बताएंगे क्या तफसील है, पैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं, अकाउंट कैसे बन रहा है? हम जाके जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं व्यापारी बैठे हुए हैं, इनकी जाके फार्म हाउस में जाके हम इनके अपना पर्सनल फार्म हाउस के नाम से मर्चेंट अकाउंट बनाते हैं, तो उसके जरिए वो क्यू आर के जरिए कोई भी कस्टमर आएगा वहाँ पे वो क्यू आर से स्कैन करके उसको पैसे दे सकते हैं। इसमें कैश जो है वो लाने की जरूरत नहीं है, कैश लाने की जरूरत नहीं है। उसी टाइम क्यू आर होगा, स्कैन होगी, जितनी भी अमाउंट उसे ट्रांसफर करनी है वो इजीली कर। तो अभी तक कितने व्यापारी हैं जो आप रजिस्टर्ड कर? अब तक हम 15 से 16 कर चुके हैं। 15 से 16 कर चुके हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं आप? बिल्कुल ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनको इतनी समझ नहीं है ना नया नया सब। बिल्कुल, बाकी बैंक भी यूज कर रहे हैं ऑनलाइन, उनको समझ जल्दी आ गई है, तो उनके ऐप में के जरिए वो ट्रांसफर कर सकते हैं। काफ़ी हद तक लोग कर रहे हैं, 15-16 अकाउंट बना चुके हैं। मजीद हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको मजीद उसको एक्सटेंड किया जाए, लोगों को अवेयरनेस दी जाए इसके हवाले से, ताकि वो कैश कैरी करने में उनको सुविधा। ठीक है, मंडी में पहले ऐसा तो था कि कैश जो है वो लाना ज़रूरी होता था, और अब ऐसा है कि आप डिजिटल ट्रांसफर भी कर सकते हैं। व्यापारियों के पास एक क्यूआर कोड होगा जिसके थ्रू वो अपनी जो खरीदार हैं अपनी रकम जो है बआसानी उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जो है 2024 की कुर्बानी की नई डिजिटलाइजेशन है जो कि बहुत अच्छी भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या रेट जा रहे हैं मंडी? ये मंडी में मांग रहे हैं 1.5 लाख रुपया छोटे से बकरे का, 30 किलो का बकरे का वजन है, 1.5 लाख रुपया मांग रहे हैं। ना इधर कोई इंतजामी हो रही है, कोई जितना मर्जी खुद अपने से रेट मांगी जा रहे हैं। तो वो लेना ना लेना तो आपकी मर्जी ना, वो तो अपने जानवर का रेट बताएंगे। थोड़ा सा रेट तो कम करें ना। तो क्या रीजन बता रहे हैं और रेट हाई करने की? ये कुर्बानी कैसे लोग देंगे? आगे तो महंगाई बहुत ज्यादा थी, कुर्बानी से ज्यादा महंगाई इन्होंने कर दी है। तो वजह क्या बता रहे हैं, रेट्स क्यों महंगे हैं? महंगे रेट ये कह रहे हैं कि हमारी खुराक नहीं पूरी हुई, सब कुछ हो रहा है, अभी तो तेल भी नीचे आया हुआ है, फिर ये महंगाई कर रहे हैं। तो फिर आपको लग रहा है कि पिछले साल से कम रश है, लोग कम कुर्बानी करेंगे इस साल? जी, इस साल कम करेंगे लोग, क्योंकि रेट्स बहुत ज्यादा हाई है, महंगाई वैसे बहुत ज्यादा हो गई है, ज्यादा हो गई है इनकी। तो कुछ खरीदा अभी आपने? नहीं, हम तो आए हुए हैं सुबह 10 बजे के, इधर ही घूम रहे हैं। क्या बजट है आपका? ना, हम तो लेने आए हैं 1 लाख का बकरा, तो ये 2 लाख का बकरा नहीं मिल रहा आपको? नहीं, 1 लाख का भी नहीं मिल रहा। किसी के पास अगर 1 लाख रुपया है और वो कुर्बानी करना चाहता है तो वो सुन ले कि उनको 1 लाख का भी बकरा यहाँ पे मंडी में नहीं अवेलेबल, नहीं मिल रहा। और अगर मिल भी रहा है तो 1.5 लाख का, वो भी 30 किलो का। 30 किलो का ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पानी आप यहाँ व्यापारी हैं कि खरीदार हैं? खरीदार है। खरीदार आए हैं, कितनी देर से आए हुए हैं? हम कल के आए हुए। कल के यहाँ पे आए हुए हैं, खरीदार हैं कि व्यापारी हैं? नहीं नहीं, खरीदार है, खरीदार है। ठीक हो गया। बड़े जानवर खरीदते हैं? बड़े जानवर खरीदते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे पानी का इंतजाम कैसा है कल से आप आए हैं? पहले ठंडा, लेकिन आज देखे ये बिल्कुल गर्म आ रहा है। कल ठंडा था ये? कल ठंडा, लेकिन आज बिल्कुल पानी गर्म आ रहा है। सुबह से गर्म पानी आ रहा है? सुबह से गर्म। इंतजामिया ने जो लिकर लगाया है उस पे जाके बताया आपने? नहीं, उधर हमने बताया नहीं, बताया अभी तक आपने? पानी गर्म ही है, हीट वेव यहाँ पे चल रही है। कहा जा रहा है कि इंतजाम जो है वो काफी ज्यादा अच्छे किए गए हैं, पिछले साल से बेहतर किए गए हैं, लेकिन 2-4 चीजें ऐसी हैं जो कि इंतहाई नाकिस हैं। पहली चीज जो मेरे सामने आई है कि पानी का इंतजाम बिल्कुल नाकिस है। कल पानी ठंडा था, आज गर्म है। कल शायद यहाँ पे फिल्टर ही ना लगा हो या पानी ही या अवेलेबल ही ना हो। तो जहाँ पे यहाँ पे जो खरीदार आ रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं, उनको पानी का मसला है। तो हमारी कुछ लोगों से बात भी हुई थी जो 10 रुपए का फी ग्लास बेच रहे हैं, और जो यहाँ पे व्यापारी है वो भी उनसे ही पानी पी रहे हैं, क्योंकि उनके पास ठंडा पानी अवेलेबल है, वो बर्फ ला के बाजार से उसमें डाल के उनको पानी बेच रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि नोटिस में लाने की जरूरत है। दूसरी चीज जो हमने आपके सामने रखी है कि सेक्रेटरी साहब ने हमें कहा था कि बाहर जानवर लेके जाने की खरीदार की कोई पर्ची नहीं है, लेकिन जब हम गेट पे गए हैं कुछ जानवरों के साथ तो बकायदा पर्ची जो है स्क्रीन पे चल रही होगी, किसी की 2500 की पर्ची चल रही है, किसी की 1000 की है। फीकस जानवर पे 300 रुपया सिर्फ बाहर लेके जाने का है, कि अगर आपने जानवर यहाँ से खरीद लिया है, 1-1.5 लाख रुपया खर्च कर दिया है, सिर्फ मंडी से बाहर लेके जाने के लिए आपको 300-400 रुपया खर्च भी करना पड़ेगा। और जब हमने वहां पे इंतजामिया जो बैठी हुई है गेट पे, जो एग्जिट पे बैठे हैं, हमने जब उनसे पूछा है तो उनका कहना यह है कि जो 2 अरब रुपए का टेंडर गवर्नमेंट से लिया है वो हम इसी सूरत में पूरा करेंगे, हमारे पास और कोई वजह नहीं है इसको पूरा करने की, और ये पैसे जो है हम इस तरह से ही निकालेंगे। तो ये है यहाँ की सूरत हाल। इसके अलावा हमने सेक्रेटरी साहब से ये भी पूछा
के जो यहाँ पे चारे का रेट है तो उनका था कि चारे के बड़े मुनासिब से जो दाम है ना वो थोड़े से ज्यादा है, मुनासिब से नहीं फी मन के हिसाब से अगर देखें, बाहर अगर चारे की कीमत 400-450 है, यहाँ पे चारे की कीमत 900-850-950 रुपए के हिसाब से है। अब आते हैं हम दूसरी साइड पे, देखते हैं और क्या मसाइल इस मंडी में। सफाई की ड्यूटी करते हो यहाँ पे, पानी का सही इंतजाम है यहाँ पे? सही है। पानी ठंडा आ रहा है? ठंडा। पिया जाके ठंडा पानी? पिया, अभी गर्म आ रहा है, लाइट गई हुई है अभी। इधर आए, पानी पिया सुबह? जी पिया। सही आ रहा था? सही आ रहा। कितना सही आ रहा था? नॉर्मली, इतना ठंडा भी नहीं था। इतना ठंडा नहीं आ रहा था, कल ठंडा आ रहा था? कल ठंडा था। लाइट कब से गई हुई है? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, हम तो इधर ही है, लाइट का काम शायद हो रहा है। पानी ठंडा यहाँ पे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। आप पानी पीने या 500 पानी पीते हो? 10 रुपए का ला ला के शाम दे 500 हो जाता। ते उथे पानी नहीं हैगा? वो तो गरम है, तत्ता पानी है। कितने कूलर लगे ने इथे? बस दो कूलर, ये दो लगे, लेकिन आ कितना पानी है? अन्य लोग पीने वाले पानी नहीं, ते कूलर इथे दो लगे ने। थल्ले आग बाल दे, की करते ने, गरम पानी बहुत है। यहाँ पे जो पानी के इंतजाम है आपको बताते चले कि सिर्फ यहाँ पे हर सराउंडिंग में नहीं कूलर्स वगैरह का इंतजाम है, अगर यहाँ पे दो फिल्टर्स लगे हुए आप देख सकते हैं तो आगे जाके कहीं बड़ा फिल्टर लगा होगा, वहाँ के जो सराउंडिंग वाले हैं वो पानी पी सकते हैं। लेकिन लोग जो है अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए कि यहाँ पे पहले इतनी गर्मी है चल कर जाएंगे, तो ये 10 रुपए का फी ग्लास जो है वो पानी पीने के लिए मजबूर है। कहाँ से आए हो? निश्तर। निश्तर से आए हो, क्या नाम है? सुजान। सुजान, कितने का जानवर देना है ये? 2-10। 2-10 का? खुद पाला है इसको? नहीं। किसने पाला है? लेकर हम दे रहे हैं। अच्छा, लेकर बेच रहे हो, किस दिन से आए हुए हो यहाँ पे? परसों से आए हुए। पानी ठंडा मिल रहा है? पानी ठंडा मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको 2-10 का देना है? कितना वजन है इसका? पानी ठंडा है यहाँ पे? पर मेल महंगा रहा, 10 रुपए ग्लास। वो जो बेच रहे हैं कूलर लेके, ये जो इंतजामिया की तरफ से पानी है वो नहीं अवेलेबल? कूलर खाली है कि पानी है ही नहीं उनमें? नहीं है, देते नहीं है, पानी नहीं दे रहे हैं वो, पानी का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे। पानी मिल रहा है? बेटा पानी होता है, फिर मुक भी जाता है, बत्ती चली जाती है, कहिए वाहवा पानी हो गया तो फिर टूट के मंडी पै जाती है, पानी फिर टाइम नहीं लगता। बाकी इंतजाम सही ने? बाकी सारे इंतजाम सही है, जो 12 बजे बाद धूप बड़ी लगती है, बच्चा जानवर पूरे आ जाते ने 8-10 तंग हो गए। नहीं जाया बहर कड लगती है। ठीक है, पानी भी ठंडा है? नहीं, पानी को नहीं। तो जानवर क्यों उन्हें महंगा दे रहे हो? जानवर भी खाल मांगी, पट्ठे मांगे, अरशाई मांगी है। किन्ने का जानवर है जरा तुसी उन लेके खलोते हो? ए जानवर जेड़ा एड़ा सी मूल मांगने आ 3.5। 3.5, अच्छा। तो जे कोई गरीब आ जाए तो उन्हें असि 2.5 दा भी फड़ा देने। 2.5 दा फड़ा दे? जे कोई तगड़ा आयो तो सानू 70-75 2 लाख ते फड़ा देंदे, जेड़ी सच्ची गल है। जित्थे सानू दिसे कितो कितो 10-12 हज़ार भी लग जांदा, कितो 1,500 भी लग जांदा, फड़ा देने अस। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या नाम है? मोहम्मद अली। क्या रेट है यहाँ पे ऊँट का? ऊँटों के रेट मुख्तलिफ है। ये जो हमारे पीछे खड़े सबसे महंगा कौन सा है? महंगे सबसे वो खड़े, सबसे महंगे। क्या रेट है उनका? उनका 15-15 लाख है। 15-15 लाख? तो क्या खूबी होती है उनमें? वो बड़े और मरेचे हैं। मरेचे हैं, बड़े हैं। मरेचे वो क्या होता है? वो बड़े काद वाले होते हैं, खूबसूरत होते हैं। बड़े खूबसूरत, बड़े काद वाले जितने होते हैं, बड़े कद वाले जितने होते हैं वो ज्यादा महंगे होते हैं। हाँ, महंगे होते हैं। ठीक है, तो सबसे महंगा कौन सा अभी? 15 लाख वाला? 15 लाख। ठीक हो गया। अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया? अभी तक नहीं आया। कब से बैठे हो? हम तो कल पहुँचे। कल पहुँचे हो? कितने जानवर लाए हो? हैं कोई 30 जानवर।
30 जानवर लेके आए, तो उम्मीद है कि सेल हो जाएंगे? इंशाल्लाह हो जाएंगे। अभी कोई जानवर रेट वगैरह भी नहीं कोई पूछ कर जा रहा? नहीं अभी तो नहीं पूछा किसी। ये सारा एरिया तकरीबन खाली है, यहाँ पे तो कोई आ ही नहीं रहा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा। लास्ट डेज में ज्यादा आते हैं लोग? हाँ लास्ट में आते हैं, चांद से चांद से बाद ही आए। 15 लाख का लास्ट डेज में कितना लगा देते हो? कितना? 15 लाख अभी कह रहे हो ना एक ऊंट का, बड़े कद वाले का। वो बेचेंगे 12 लाख का बेचेंगे। 12 लाख का बेचोगे? आखिरी दिनों में 10 लाख का लगा दोगे? नहीं नहीं आखिरी में क्यों देंगे 10 लाख, वापस लेके जाएंगे। ठीक है, कितना टाइम लगता है इनको पालने में? इसको लग जाते हैं 5-7 साल। 5-7 साल लग जाते हैं? 5-7 साल की मेहनत होती है आपकी। आए किधर से हो? हम आए हैं सादिकाबाद से। सादिकाबाद से? तो यहाँ पे इंतजाम कैसे हैं? पानी ठीक मिल रहा है? हाँ ठीक मिल रहा है। ठंडा पानी है अवेलेबल? पानी ठंडा पी रहे हो? जी जी। और कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं। तो यहाँ पे शेड नहीं लगे हुए? यहाँ पे तो हीट वेव चल रही है, बाकी सबके जानवर पे लगे हुए। कल लगा देंगे। कल लगा देंगे? तो 2 दिन जानवर अगर बीमार हो जाए? अल्लाह नहीं करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह ना करे, आपकी इतने सालों की मेहनत है। तो आपने उनको कहना था ना कि अभी इंतजाम करें इसके हमारे आने से पहले? उनको कहा है कल कर देंगे। किनको कहा है आपने? दफ्तर वालों को। दफ्तर वालों को कहकर आए हो? अगर कल तक भी ना हो फिर देखा जाएगा आगे। और यहाँ पे जितने भी ऊंट है आप देख सकते हैं कि सब पे शेड्स लगे हुए हैं, कुछ लोगों ने खुद से शेड लगाने की भी कोशिश की हुई है। हम वहाँ से आप देख सकते हैं बैल के पास से आए हैं, बकरों के पास से आए हैं, सबके कोई ना कोई शेड लगे हुए हैं और उन्होंने अपने जानवरों की हिफाजत के लिए खुद से शेड भी लगाए हैं, मोटर का इंतजाम। लेकिन ऊंटों का इंतजाम आप कुछ इस तरह से देख सकते हो, जैसे कि भाई ने बताया उनके 5-7 साल की मेहनत है ये। और यहाँ पे 2 दिन हुए हैं, कल से आए हुए आप? कल से आए हुए? कल से। कल का दिन और आज का दिन गुजर गया, 2 दिन हो गए यहाँ पे कोई इंतजाम ऐसा नहीं है जो लगा हो, कोई शेड नहीं लगा हुआ। हीट वेव आप देख सकते हैं, हम सुबह से आए हैं और हमारा बुरा हाल हो गया। और जो ये जानवर है तो ये तो वैसे भी लग रहे होंगे, ये तो बता भी नहीं सकते ऑफ कोर्स। तो ये इंतजाम है कुछ यहाँ पे। और जो बकरे का एक रेट है जिसका वजन 30 किलो है, उसका रेट 1-1.5 लाख है। और जो इनका है कि जिनके कद बड़े होते हैं वो जानवर खूबसूरत होते हैं, उनका रेट 15 लाख है। लेकिन इंतजाम कुछ इस तरह से हैं यहाँ पे। मेरा ख्याल है कोई सेक्रेटरी साहब या उनके PRO साहब कोई आया नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये जानवर कुछ इस तरह से ही है। अभी थोड़ी शाम हो चुकी है, 5-6 बज चुके हैं, तो धूप आपको जरा कम लग रही होगी, सूरज जो है गुरूब हो रहा है। लेकिन अगर आप थोड़े 2-3 बजे आते तो 43-45 डिग्री है। और आप देख सकते हैं ये इंतजाम है यहाँ पे, कहा जा रहा है कि पिछले साल से बहुत अच्छे इंतजाम है। और आज मंडी का तकरीबन 2रा दिन है, तो यहाँ पे ये हाल है। जब पता है कि जानवरों ने लेकर इतने दूर से आना है तो फिर ये सारे इंतजाम है। यहाँ पे पानी का जो इंतजाम है वो बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम 500 का रोज का पानी पी रहे हैं। उनके साथ काफी लोग आए होते हैं, व्यापारियों के साथ जिनको पानी पीना होता है। तो मैंने बताया कि एक सराउंडिंग में 2 कूलर्स लगे हैं जिसपे गर्म पानी आ रहा है, दूसरे सराउंडिंग जो है वो काफी दूर चलकर है, वहां जाकर वहां पे भी पता नहीं वल्ला आलम कि वहां पे भी ठंडा पानी अवेलेबल है कि नहीं है। आज तक के जो इंतजाम हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं। इसी के साथ मिलेंगे एक नई तलाश के साथ, अल्लाह निगहबान।